हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो अब आज हम बात करने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा जो चल रहा था पहले, जो हमने कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं उसके बेसिस पे जो हमारी एक्सरसाइज है 8.4। ठीक है, तो मैंने उसी को फोकस करते हुए ये चीजें डिसाइड की हैं कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अटेम्प्ट करने का तरीका देखिए कि क्वेश्चंस के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम कैसे उस चीज को यूज करें और उन आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करें। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, और अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जरूर से जरूर पहले वाले लेक्चर्स विजिट करिए, देखिए, और बहुत अच्छे लेवल पे बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक होता है वो मैंने बहुत अच्छे लेवल से, बहुत आसान लेवल में, आसान भाषा में डिस्कस किया है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे बहुत 10th क्लास के बच्चों के लिए डिफिकल्ट होती है, इसलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी एक्सरसाइज 8.4 के कुछ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैं अटेम्प्ट के लिए आपके साथ में, आप साथ साथ पेन कॉपी का यूज करें और साथ साथ करने की कोशिश करें। ठीक है, और मैं कैसे कर रहा हूं उस चीज को फॉलो करने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, 1 + tan θ + secant θ 1 + cot थीटा माइनस cosecant थीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। इसको आप देख के क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो ये वैल्यूज आप यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन, चलो सॉल्यूशंस करते हैं फिर। तो मैं डायरेक्ट, पहली चीज तो यही है कि मैं इसका मल्टीप्लीकेशन कर दूं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, चलो फर्स्ट से किया, 1 + tan θ + secant θ, अब कोट का करते हैं, 1 + cot θ, टेन और कोट सेम होते हैं मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो कट जाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 upon cos θ into sin upon cos upon sin, ये cos थीटा को मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया है। ठीक है, अब अगली चीज क्या आती है हमारे पास, माइनस के साथ 1 upon sin θ, ये इस वन के साथ क्या, आगे माइनस 1 upon sin θ into sin θ upon cos θ, ये tan के साथ क्या, माइनस 1 upon cos θ into sin θ। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब यहां पे इसी साफ साफ दिख रही है मेरे को, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो अब आगे देखें, 1 + 1 2, ठीक है, tan θ + cot θ, ये चीज मैंने यहां पे लिख दी। अब बात करते हैं 1 upon sin θ, 1 upon sin θ क्या हो गया, cosecant θ, तो यहां पे, और ये भी 1 upon sin θ माइनस का, और ये 1 upon, तो ये पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस का 1 upon cosecant θ, और यहां पे secant θ, तो ये माइनस का पूरा कैंसिल आउट, secant θ कर दिया, बच गया सिर्फ क्या, ये वाली चीजें और 1 upon cos θ - sin θ, 1 upon cos θ into 1 upon sin θ। देखो, कई बार क्या होता है कि मैं
कुछ चीजें फास्ट पढ़ाने के लिए थोड़ा सा सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही हूँ, तो लेकिन जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो काफी सही होगा, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा है तो। तो अभी देखते हैं आगे इसको क्या कर सकते हैं। इसको हम अगर यहां पे एलसीएम ले ले तो सही रहेगा, तो एलसीएम में ले रहा हूं 1/, ये है कोसेकेंट थीटा साइन थीटा, एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो गया 2 कोसेकेंट थीटा कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या है साइन अपॉन कोस था, तो कोस तो हमारे पास है, तो साइन इंटू साइन स्क्वेयर हो गया प्लस आगे यहां पे कोस थीटा, कोट में क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट के लिए, कोट के लिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, ये चीज होती है। अगर एलसीएम लिए तो साइन थीटा तो आ गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या आएगा, ये आइडेंटिटी का यूज करना अपने को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये मैंने यूज किया, ये माइनस 1 है तो ये 1 और ये 1 माइनस 1, तो ये चीज सारी कैंसिल आउट होगी, तो बस गया क्या कोस थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल आउट हुआ, आंसर आया 2, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे बहुत आसानी से आंसर आ गया हमारा 2, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है सीकेंट थीटा, अगला क्वेश्चन है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, सीकेंट थीटा क्या है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, एक सेकेंड, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये चीज हमें सोल्व करनी है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कुछ निकालना है मेरे को, तो किस तरीके से मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, तो ये साइन थीटा में है ये, तो क्या मैं इसको एक्सपेंड कर लू, सोल्यूशन की बात करें तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया 1/ कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दिस इंप्लाइज ये क्या हो गया ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा, दिस इंप्लाइज, अब यहां पे आइडेंटिटी यूज हो रही है, आइडेंटिटी क्या है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस से कोई कोस कट गया तो आंसर आया कोस थीटा, ठीक है। तो ये चीज यहां पे हमने सोल्व कर लिया आसानी से,
तो आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्या है? टेन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू वन प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है? तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है कि यहाँ पे सीकेंट है, यहाँ पे टेन थीटा है, उधर कोट है, टेन है। तो एक चीज जो क्वेश्चन में भी आपको दे रखी है कि इसको आप एक्सपेंड करें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में एक्सपेंड करें, फिर उसको सोल्व करें। एनसीईआरटी की बुक में दे रखी, तो हम उसी तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। तो एक्सपेंड करता हूं मैं, प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टोटल डिवाइड बाई वन प्लस कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दिस इंप्लाइज, अब इसको मैं डायरेक्टली इसको सोल्व कर रहा हूं कि साइन थीटा इसे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। इसको रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा, नीचे बचेगा कोस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये वाली टर्म नीचे बचने वाली है, ठीक है? अब बात करते हैं आगे, प्लस इसमें क्या होगा, एलसीएम लिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये चीज यहां पे देखने को मिलने वाली है, ठीक है? अब एक चीज यहां पे ध्यान से देखें, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा है और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर अगर मैं यहां पे माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, ये वाली टर्म बन जाएगी साइन थीटा, यहां पे चर्च बनने वाला है, यहां पे ये क्या है, साइन थीटा, ठीक है? अगर मैं यहां पे क्या कॉमन ले सकता हूं, यहां पे एक चीज कॉमन जो मैं ले सकता हूं, आगे सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करेंगे, अगर साइन यहां पे एक चीज एक बार क्वेश्चन चेक कर, एक जो छोटी सी मिस्टेक है, यहां पे माइनस है, ठीक है? यहां पे क्या है, माइनस है, तो हमें यहां पे भी माइनस आएगा, ठीक है? और फिर यहां पे माइनस आएगा, तो अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा सही जाएगा, ठीक है? अब आप देखें कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो मैंने माइनस कॉमन लिया था तो कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये चीज मेरे पास कॉमन मिलने वाली थी अगर मैंने इससे माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है? अब यहां पे अगर आप ठीक से देखें, इसको एलसीएम लिया तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये चीज मैंने एलसीएम ले ली है क्योंकि इसमें कोस है इसमें साइन थीटा, तो ये चीज मैंने यहां ले ली और ये दोनों में कॉमन है तो मैंने यहां ले ली, ठीक है। ये लिया है मैंने एलसीएम, तो ऊपर क्या आने वाला है साइन थीटा का क्यूब माइनस कोस थीटा का भी क्यूब, ठीक है। तो ये चीज मेरे को यहां से मिली। थोड़ा सा अब साइड से टेंशन यहां पे, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए रब कर दिया है, ठीक है। तो मैं बाकी चीजें मैं ऊपर लिखने वाला हूं। अब ये चीज यहां पे चीज देखने वाली बात ये है कि ए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये चीज जो याद होनी चाहिए हमें। तो इसको भी मैं ऐसे ही डिवाइड करने वाला हूं, क्या होगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू इनटू साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये चीज इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इस तरीके से, तो ये चीज इससे कैंसिल आउट हो गई और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बनता है वन, ठीक है। ये होता है वन, तो वन प्लस थ्री क्या हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इसको मैंने एक चीज देखी वन प्लस यहां पे आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, इस चीज से हमें ये चीज मिलने वाली है, ठीक है। तो यहां पे हमारी जो जो प्रूफ करना था वो हमारा यहां से हो गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट ए मिनट एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है मेरे को अभी लग रहा है कि ये कुछ ठीक नहीं है, एक सेकेंड। हाँ, जो क्वेश्चन में हमारा जो प्रूफ था, जो क्वेश्चन में प्रूफ था उसमें सीकेंट थीटा की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोस सीकेंट थीटा है। एक्चुअली फ्लो में कुछ चीजें मिस्टेक हो जाती हैं और मैंने कुछ और क्वेश्चंस का ये चीज रिजल्ट लिख लिया है जो प्रूफ करना था। तो अब देखेंगे तो ये प्रूफ एक्चुअली प्रूफ तो वही है जो हमें करना था वही हुआ है, सिर्फ रिजल्ट में थोड़ा सा एक लास्ट के रिजल्ट में एक मिस्टेक है जो कि हमें ठीक करनी थी। तो ये आ गया, अब आ गया सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा, ठीक है। एक जो लास्ट रिजल्ट में वो थोड़ा सा मिस्टेक थी वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से देखें तो वो प्रूफ ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। वन प्लस सेकेंड थीटा अपॉन सेकेंड थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ये चीज मेरे को प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन को एक तरीके से देखने का जो तरीका होना चाहिए वो एक एक्चुअल मैनर में, किस मैनर में उस क्वेश्चन को प्रूफ की तरफ ले जाएगा, वो डायरेक्शन, वो हमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है वो यहीं से डेवलप करनी है कि मैं किस तरीके से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे सीकेंट थीटा है, ये सीकेंट थीटा है, इस तरफ है साइन स्क्वायर थीटा या कोस है। तो कोस कब आएगा, जब वन अपॉन सीकेंट थीटा को सही से लिखेंगे, वन अपॉन कोस थीटा लिखेंगे, तभी आ सकता है ये चीज। तो यही चीज आपको भी सोचनी है, उस क्वेश्चन को देखने का आपका तरीका होना चाहिए कि ये वाली चीज किस तरीके से मेरे को मिल सकती है। तो वही चीज मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सिखाने की। तो यहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है मेरे को, तो इसको क्या लिख दो, वन अपॉन कोसेकेंट थीटा, नहीं कोस थीटा, वन अपॉन कोस थीटा अपॉन वन अपॉन कोस थीटा इक्वल टू, दिस इंप्लाइज, इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा होल डिवाइड बाई वन अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जी, सही है। तो ये क्या बच गया मेरे पास इस साइड, एक सेकंड, क्वेश्चन में मैं मेरे को कुछ चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहां पे ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये हमारा राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की, तो ये और ये इसके इक्वल तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को भी जो एक्सपेंशन है उसका भी एक्सपेंशन, उसका एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर मैं थ्योरम की बात करूं, जो हमारी आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो क्या कहती है, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन वन माइनस कोस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं, ये क्या है, ये एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे ए वन है माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिख दिया। अब ये वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया वन प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, तो यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी, ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। चलो, ये चीज यहाँ पे हमने सोल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली 8.4 एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन ज्यादा है और प्रूफ भी ज्यादा है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है जो मेरे को यहां से देखना, अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है, रूट ऑफ वन प्लस साइन ए साइन थीटा वन प्लस वन माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है, रूट ऑफ वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई वन अपॉन वन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू द सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये चीज प्रूव करनी है। तो इस चीज को कैसे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये चीज अंडर रूट है तो वो ऐसी फॉर्म में तो आना बहुत मुश्किल है। तो कैसे कर सकते हैं इस चीज को सोल्व, इसको कैसे करेंगे,
कि कहीं से मेरे को अगर ये अंडर रूट खत्म हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये थोड़ा सा सोचने का तरीका है, उस तरीके से सोचेंगे तो। अब अंडर रूट खत्म किस तरीके से होगा, जब अंदर कोई चीज स्क्वायर में बने तो अंडर रूट खत्म हो सकता है। तो मींस ये चीज बात हमें समझनी चाहिए कि इस चीज को मेरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर में कब कन्वर्ट होगी, स्क्वायर में तब कन्वर्ट होगी जब उसी चीज को उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 2 × 2 कर दूं, 2 × 2 कर दूं तो 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया अंडर रूट होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ही बच जाएगा। तो इसी तरीके से सोचना है। सॉल्यूशन क्या है, तो मैं क्या करता हूं यहां पे 1 + sin θ, 1 − sin θ इंटू क्या करने वाला हूं, 1 − sin θ जो मेरे को एक चीज जो प्रूफ करनी थी उसके लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। किस चीज से, 1 − sin θ से करूं या फिर 1 + मैं इसको 1 + क्योंकि ये वाली चीज मेरे को यहां पे माइनस लग रहा है तो ये मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, चलो तो यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे देखते हैं, इसका स्क्वायर किया, ये क्या हो गया 1 + sin θ का होल स्क्वायर अपॉन, इसको होल स्क्वायर से लिख सकते हैं, 1 − 1 का स्क्वायर − sin θ का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ठीक है, ये चीज मिल गई। अब यहां पे आइडेंटिटी फिर से यूज हो रही है जो मेरे को ध्यान से देखनी है कि 1 − sin²θ क्या होता है, cos²θ। ये हमें आइडेंटिटी फर्स्ट से ही पता चलेगी। तो इसके भी स्क्वायर बन गया, इसके भी स्क्वायर बन गया, जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये मैंने स्क्वायर बना लिए अंडर रूट को खत्म करने के लिए। तो यहां पे अंडर रूट मेरा खत्म हो गया, बच गया क्या, 1 + sin θ / cos θ। ये क्या लिया, अगर अलग अलग किया तो ये चीज, क्योंकि ये कोस इसके डिवाइड में भी है, ये इसके डिवाइड में भी है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 / cos θ + sin θ / cos θ। तो ये बन गया ये चीज और ये बन गया ये चीज। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से हमने ये प्रूफ कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखने वाले हम, तो मेरे को लग रहा है कि आप अगर कंटिन्यूअसली ये चीजें समझेंगे और प्रैक्टिस में लाएंगे ये चीजें तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, आपको चीजें सीखनी है, रटनी नहीं है, सीखनी है और वो सीखने से आपको बहुत अच्छा, मतलब अच्छे लेवल से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं। तो क्वेश्चन है sin θ − 2 sin³θ / cos³θ minus cos θ = tan θ। ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है। ठीक है, ये चीज प्रूफ करनी है, तो आपको सही से दिख रहा होगा ये चीजें। ठीक है, तो tan थीटा मेरे को किसी भी तरीके से tan थीटा लाना इस साइड, और इस तरफ है sin और cos। ठीक है, तो tan थीटा मेरे को किस तरीके से मिल सकता है,
जब मैं साइन और कोस अगर कॉमन लेके इनमें से, और देखने वाली अच्छी बात यह है कि इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा, तो कॉमन ले लूं, इसमें भी कोस थीटा है, इसमें भी कोस थीटा है, तो कॉमन ले सकता हूं। तो मैं यही करने वाला हूं कि यहां पे साइन थीटा कॉमन लिया इक्वल टू वन माइनस टू साइन थीटा स्क्वायर अपॉन, यहां से मैंने कोस कॉमन लिया टू कोस थीटा माइनस वन, ये वाला कोस थीटा था, ठीक है। दिस इंप्लाइज वो बन गया टेन थीटा, बाकी चीजें मैंने वैसी की वैसी रखी। तो वन को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, आगे क्या है टू कोस स्क्वायर थीटा, वन को लिखा मैंने कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां पे दो कोस स्क्वायर थीटा है, यहां पे एक है, कट गया, ठीक है। आंसर देखते हैं क्या आता है, ऊपर क्या आ रहा है, ये एक कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां नीचे देखते हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बच गया क्या टेन थीटा। हेंस प्रूव, यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी, ठीक है। आपको चीजों को देखना है कि क्या चीज मेरे को कॉमन मिलनी है और क्या चीज मेरे को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा, एक सेकेंड, साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस कोस स्क्वायर कोस थीटा प्लस प्लस सीकेंट सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, ये चीज मेरे को प्रूफ करनी है किसके बराबर, सेवन प्लस सेवन प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर, ये चीज यहां पे मेरे को प्रूफ करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहले वाला क्वेश्चन था जिसका हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला हमारा क्वेश्चन है कि जो ये गिवन चीजें हैं इसको इसके प्रूफ करनी है। एक चीज जो मेरे को दिख रही है यहाँ पे कि मैं इनका स्क्वायर को एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड करने से फायदा क्या होगा कि देखो साइन थीटा का स्क्वायर मिलेगा, कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर मिलेगा, तो वन हो जाएगा। तो मैं एक्सपेंड कर देता हूं पहले, आप लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो इसका स्क्वायर किया तो ये बीच में क्या है प्लस का साइन, चलो साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा का स्क्वायर कोसेकेंट थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा, ये क्या आ गया साइन थीटा टू इंटू, ये क्या है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट थीटा, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। प्लस इसका एक्सपेंशन किया कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट थीटा का स्क्वायर,
इसका भी एक्सपेंशन किया तो कट जाएंगे, टू ही रह जाएगा। तो ठीक है, एक चीज यहां से, दिस इंप्लाइज टू प्लस टू फोर, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया वन, फाइव आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस टर्म्स की, सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, वही यहाँ पे कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा स्क्वायर क्या होता है, वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये मैं सीधा डायरेक्टली आइडेंटिटीज लिख देता हूँ यहाँ पे, वन प्लस कोट थीटा प्लस वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐड किया ये क्या आ गया, फाइव और टू सेवन प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही चीज मेरे को प्रूफ करनी थी ऊपर गिवन क्वेश्चन में। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जो मैं जो एक्सरसाइज का शायद फर्स्ट ही क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। ठीक है, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मेरे को फाइंड करने, सेकेंड थीटा फाइंड करना है, ठीक है, टेन थीटा फाइंड करना है, और कौन सा दे रखा है, सीकेंट हो गया, टेन हो गया, और जो कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट थीटा फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ कोट थीटा। तो कोट थीटा की फॉर्म में ही हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। इसके लिए देखो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे जैसे ये मेरा ट्राइंगल है, ये एंगल है थीटा ए बी सी, ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की रेशियो निकालने, ये निकालने किसकी फॉर्म में, कोट थीटा फॉर्म में। उससे पहले मैं जो आइडेंटिटीज पहले जो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप एक बार उस वीडियो को भी देखें, ठीक है, लेकिन फिर मैं यहाँ पे जो आइडेंटिटीज बता देता हूँ। तो क्या है, वन प्लस कोट थीटा इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोसिकेंट थीटा स्क्वायर इक्वल टू वन, एंड वन प्लस टेन थीटा स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड। तो ये मेरे पास आइडेंटिटीज है जो मेरे को याद भी रखनी है, और इनका यहाँ पे जब भी दूसरे के फॉर्म में निकालते हैं तो इनका यहाँ पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहां पे अब बात करेंगे कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग जो देखने वाली बात है, टेन थीटा को कोट थीटा के फॉर्म में लिखने की क्या किस तरीके से लिखेंगे, तो वन अपॉन कोट थीटा
इस फॉर्म में तो हो ही गया, एक कोट थीटा के फॉर्म में तो निकालना था टेन थीटा पहला, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकल गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोसेकेंट थीटा, यहाँ पे कोसेकेंट थीटा जिसमें आइडेंटिटी इसमें भी एक चीज जो दिख रही होगी वो कोट ही जो यूज हो रहा है, कोट और कोसेकेंट ही यूज हो रहा है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोसेकेंट थीटा के लिए क्या करना है, वन प्लस कोट थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा स्क्वायर। अब मेरे को निकालना यही है तो क्या कर सकता हूं, कोसेकेंट थीटा वन प्लस कोट थीटा का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया मेरे पास दूसरी टर्म्स कोट थीटा की फॉर्म में जो रिक्वायर्ड थी। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड जो रिक्वायर्ड है, क्या है सीकेंट, क्या है सीकेंट थीटा, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड। ठीक है, सीकेंट थीटा, फिर आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, यहां पे क्या है टेन थीटा, लेकिन टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोट थीटा। तो यहां पे मैं यही करने वाला हूं, क्योंकि कोट की ही फॉर्म में चाहिए, कोट के अलावा कोई टर्म्स नहीं होनी चाहिए, ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है। तो इसको मैं कैसे करता हूं, वन प्लस वन अपॉन कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोट थीटा का होल स्क्वायर, इसको टेन इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, ये चीज है, ये चीज प्रूफ करनी है मेरे को, ये सेकेंड मार्कर थोड़ा सा, ठीक है यही चीज लिखनी है। अब क्या करना है, अंडर रूट कर देते हैं वन अपॉन कोट थीटा का होल स्क्वायर, अंडर रूट इक्वल टू सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सब जो टर्म जो निकालनी थी मेरे को, जो सब निकालना था मेरे को, ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली, इन सब में कोट का ही टर्म्स आ रही है, तो इस तरीके से आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, जो भी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आप पीछे वाले लेक्चर्स को विजिट करिए, और डेफिनेटली हम बहुत अच्छे लेवल से डिस्कस करने वाले हैं, ये हमारा बेसिकली क्रैश कोर्स है, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में हो सकता है, जल्दी चीजें हो रही हैं, लेकिन आगे अच्छे लेवल पे एक एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो चीजों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।